हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एंड उससे पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा गला काफी बैठा है, तो अगर आपको मेरी आवाज बहुत अजीब लगे सुनने में तो जस्ट पार्डन मी। तो मेरा नाम है अंशिका एंड आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, मेरा इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर रही हूँ उसको जरूर से फॉलो कर लेना। अब जो आज का वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मैं अभी सिंगापुर के लिए ट्रिप के लिए गई थी, तो वहां पे मैंने बहुत सारी ड्रेसेस पहनी थी बिकॉज इट वॉज अ बिग ट्रिप लाइक फॉर 10 डेज। तो मैंने बहुत सारी नई नई ड्रेसेस पहनी एंड मैंने मैक्सिमम ऑफ कपड़े मिंत्रा से बाय किए थे क्योंकि आई डिडंट हैव दैट मच टाइम कि मैं जाके बाहर शॉप करवाऊं। तो मैंने मिंत्रा से बहुत सारे कपड़े परचेज किए थे। तो मुझे बहुत सारे लोगों का डीएम आया कि आप प्लीज अपने ड्रेसेस का हॉल वीडियो बना दीजिए, मिंत्रा हॉल वीडियो बना दीजिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कपड़ों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में बताने वाली हूँ, स्पेसिफिकली फॉर समर। लाइक ऐसे घूमने जाते हो, अब तो ब्रंच के लिए जाते हो तो उनको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ना वर्सेटाइल टाइप की ड्रेसेस ली है जो कि दिन में भी जाएंगी, रात में भी जाएंगी और छोटे से ब्रंच वंच में भी जाएंगी और अच्छा घूमने कहीं जा रहे हो तो भी जाएंगी। तो मैंने ये सारी चीजों का ध्यान रखा हुआ है। वीडियो को मैं काफी चीजों के बेसिस पर डिवाइड करने वाली हूँ, जैसे कि क्वालिटी क्या है, कब है फेवरेबल इनको पहनना, और इसके अलावा क्या कहते हैं क्वालिटी मटेरियल क्या है। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आउटफिट की मैं फोटोज लगा सकूं, मैं लगा दूं आपके लिए, तो वो आप ध्यान से देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगी 100% कॉटन मटेरियल की वन पीस के साथ। जो मैंने वन पीसेस लिए हैं उसमें से ये पहला वन पीस है, ये है फ्रॉम द ब्रांड सांग्रिया। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें ये प्रॉपर मतलब फ्रिल वाला वन पीस है। सामने से इसके बटन है तो मतलब आप ओपन करके चाहो तो पहन सकते हो। इसके अंदर जीन्स के साथ ये श्रग जैसा काम भी कर जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे वन पीस भी पहन सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे कुर्ती भी पहन सकते हो। तो मतलब ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और मैंने यही सोच के परचेज किया था क्योंकि मुझे इसका ये वाला पैटर्न बहुत पसंद आया था। यहाँ भी आप फोटो में देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया है, तो आप चाहो तो वैसे भी स्टाइल कर सकते हो। और ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, तो सबसे अच्छी बात गर्मी के लिए ये है कि बहुत कंफर्टेबल है। दूसरा, इसमें काफी फ्रिल है तो मतलब इसमें फोटोज के साथ आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, काफी अच्छी फोटोज इसमें क्लिक कर सकते हो। एंड कलर इसका नहीं निकला धुलने के बाद भी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी इज वेरी नाइस। धुलने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हुआ लाइक आधा इंच, तो अगर आपका साइज एकदम ऐसा है कि मतलब आपको लगता है तो एक साइज बड़ा मंगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, अभी मैंने जो इसका साइज मंगाया है वो है एल। ठीक है, मैं और आप मुझे मेरे को तो देख सकते हो कैसा है, तो उस हिसाब से मैं अपने सारे बस्ट और सारे मेजरमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा परचेज करना है। ओके, सो नाउ मूव करते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। सो जो सेकंड ड्रेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है ये। इसकी फोटो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ, आप देख लेना और डिटेल से आपको पता लगेगा। इसमें शिमर है और ये जो कपड़ा है वो मैं कह सकती हूँ कि नॉट एग्जैक्टली जॉर्जेट बट उसी टाइप का कुछ है। इसके अंदर हमें इनर मिलेगा प्रॉपर, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है ड्रेस। आप आराम से इसको पहन सकते हो। इसका लेंथ जो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो फोटो में कि इसका लेंथ जो है वो घुटने से नीचे आता है, तो जो लड़कियां कंफर्टेबल नहीं है कि उन्हें घुटने के ऊपर वाली ड्रेसेस पहननी है तो वो ये ले सकती है। दूसरी चीज जो इस ड्रेस के साथ मुझे सबसे अच्छी लगी है वो ये है कि अगर आपका बस साइज थोड़ा बड़ा है, अगर बस साइज थोड़ा ज्यादा हैवी है आपके, तो आप तो भी इस ड्रेस को परचेज कर सकते हो क्योंकि इसका जो कवरेज है ना साइड से वो काफी अच्छा है। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये पीछे से इतना कट आता है इसमें प्रॉपरली। ठीक है, तो कट आने की वजह से आप चाहो तो ये बैक में बहुत सुंदर लगती है। दो ये ड्रेस बहुत सिंपल है बट बहुत सुंदर लगती है पहनने में, काफी एलिगेंट है, काफी अच्छा लगता है इसका लुक। और हाँ, इसका जो पट्टी है पीछे जो ओपन है वो ब्रा के सही स्ट्रैप से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी ब्रा बहुत ज्यादा दिखेगी, आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। बस इसमें जो मैंने है साइज जो है वो परचेज किया है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में मुझे बहुत प्रॉपर फिट आया था, तो आप एक्सेल ले सकते हो, मतलब इसका रिलैक्स्ड फिट है थोड़ा सा, तो
तो आप चाहे तो एक साइज छोटा भी ले सकते हो। इससे तीसरी ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये भी ब्रांड एस प्लस से ही है, वो वाली ड्रेस भी ब्रांड एस प्लस से ही थी। एस प्लस से काफी अच्छे कपड़े आते हैं और मैंने दो चार ड्रेसेस उससे खरीदी हैं। तो ये जो मैं नेक्स्ट ड्रेस की बात कर रही हूँ वो है ये। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे पहनने का मौका नहीं मिल पाया, बट मैं आपको इसे फोटो कहीं पे लगा के दिखाती हूँ कि मॉडल पे कैसा लगा। ठीक है, सिंपल प्लेन ड्रेस है, बिल्कुल प्लेन ड्रेस है। आप इसको ब्लैक कलर के बेल्ट के साथ या कुछ चौड़े से मतलब आपके पास अच्छा सा कोई चौड़ा बेल्ट हो, ब्लैक ना भी हो तो भी आप इसको इससे स्टाइल कर सकते हो, ये बहुत सुंदर लगेगी। और इसमें प्रॉपर फिल है और यहाँ पे इलास्टिक है, तो यहाँ पे इलास्टिक है तो अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है तो भी आपको आराम से ये ड्रेस घुस जाएगी, तो उसका टेंशन लेने के बाद बिल्कुल नहीं है, ये काफी कंफर्टेबल ड्रेस है। और हाँ, इसका मटेरियल जो है इट्स नॉट कॉटन, तो गर्मी के दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अगर आप एसी वाली जगह पे जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको वियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके स्लीव्स बहुत सुंदर है, फुल स्लीव्स है, मतलब आप समझ सकते हो ना कि एक एलिगेंट ड्रेस होती है ना, मतलब सिंपल बट येट वेरी ब्यूटिफुल, तो ये कुछ उस टाइप की ड्रेस है। मैंने इसमें साइज लिया है एल, तो आप आराम से इससे बाकी सारे मेजरमेंट्स देख सकते हो अपने हिसाब से। काफी क्यूट ड्रेस है और सबसे अच्छी बात है मैंने जितनी ड्रेसेस लेने की कोशिश की है ना, क्योंकि मेरी कर्वी बॉडी है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो कि अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े खरीदोगे ना तो बहुत सुंदर लगोगे। जैसे मेरी कर्वी बॉडी है, ठीक है, तो मुझे पता है कि सिंस आई हैव ए आर ग्लास बॉडी, तो मैं ट्राई करूंगी कि मेरे वेस्ट साइड पे जो कपड़े फिट आए और नीचे जो फ्रिल हो मैं वैसे टाइप के कपड़े लूं, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी टमी भी छुप जाती है और ऑन द सेम हैंड वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो हमेशा याद रखना है कि इफ यू हैव ए हैवी लोअर बैक, ट्राई करो कि आप ऐसी फ्रिल वाली ड्रेसेस खरीदो। ठीक है, जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस है, क्योंकि ये है मल्टी कलर ड्रेस। यहां पे मैं कहीं पे भी आपको फोटो दिख रही होगी तो देखो मैंने कितने खूबसूरत तरीके से इसको पेयर किया है। मैं गई थी सिंगापुर में मोनोक्रोम कैफे, जो कि 2D कैफे, ब्लैक एंड व्हाइट कैफे था, तो मैंने पहले से ही सोचा था जब मैंने इस ड्रेस को देखा कि मैं ये ड्रेस वहीं जाके पहनूंगी, बिकॉज इट्स ब्लैक एंड व्हाइट और आपको ये मल्टी कलर बहुत सुंदर लगेगा। ये काफी अच्छी ड्रेस है, इसमें मैंने साइज खरीदा है एक्सेल, ऑल्दो ये थोड़ा फिट साइज है, मतलब ये इतनी रिलैक्स नहीं है क्योंकि ये ए लाइन ड्रेस है। ठीक है, तो जब ए लाइन ड्रेसेस होती हैं और इसका मटेरियल भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो ये थोड़ी सी फिट होती है। हाँ, तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप अपने साइज से एक साइज इसमें बड़ा खरीद लो, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कॉटन नहीं है बट स्टिल ब्रीदेबल मटेरियल है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी तो इट्स फाइन, बट इट्स अ मस्ट बाय ड्रेस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये किसी भी ओकेजन पे सुंदर लगेगी, बहुत अच्छी ड्रेस है ये। ओके, सो द नेक्स्ट ड्रेस इज फ्रॉम माय फेवरेट ब्रांड ऑफ मिंत्रा, दैट इज कॉल्ड एज सासाफ्रास, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक है, तो ये जो ड्रेस है ये शायद आपने देखी भी होगी, इट्स अ कॉमन ड्रेस, बट मैं आपको बताऊं ये क्यों लोग खरीदते हैं, इसकी खासियत है, इसका जो पैटर्न है ना वो ये देख पा रहे होगे आप, ये डिवाइडेड है तो ये पेट पे ना बिल्कुल फिट हो जाता है, तो मतलब ऐसा हो इसमें पता नहीं क्यों बट आपकी टमी बहुत कम दिखती है। अगेन इट्स अ फ्रॉग ड्रेस, तो आपको बहुत इजीली अगर आपका ऐसा मतलब थोड़ा सा लोअर पोर्शन हैवी है तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर आप इसके अंदर न्यूड कलर की ब्रा पहनोगे तो आपकी टेंशन बिल्कुल ही सॉल्व, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अपर में कोई अस्तर नहीं लगा है बट स्टिल इट्स अ डार्क कलर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे इन लोगों ने प्रॉपर असर दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो मतलब ये ब्रांड पर्टिकुलरली ना प्राइस के हिसाब से जो कपड़े बनाता है वो लाजवाब है। इसकी स्लीव्स आर ब्यूटीफुल, सीरियसली ब्यूटीफुल, जैसे मेरे हाथ है वो थोड़े से हैवी हैं, तो मैक्सिमम बार क्या होता है कि मैं छोटा साइज लेने जाती हूँ ना ड्रेस का, बॉडी में फिट आ जाता है बट हाथों में फंस जाता है, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं हुई, इस वजह से मैंने एक साइज छोटा लिया है। इसका मैंने साइज लिया है लार्ज, ठीक है, तो लार्ज के हिसाब से हाँ ये ड्रेस का जो लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़े शॉर्ट टाइप में है, तो अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि ये परचेज करने के लिए लाइक वर्थ अ ट्राई है। इसमें पीछे चेन भी है तो इसका फिट जो है ना वो बहुत सही आता है, जब चेन होती है ना ड्रेसेस में तो क्या होता है आप उसको चेन खोल के प्रॉपर अपनी बॉडी के शेप में सेट कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट पुट ऑन द चेन, तो वो बहुत अच्छा शेप देता है, दैट इज वाई देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चेन। इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस, येस इट्स नॉट कॉटन बट इट्स ब्रीदेबल मटेरियल, वेरी लाइट वेट एंड वेरी इजी टू कैरी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ड्रेस। सो द नेक्स्ट ड्रेस विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज दिस वन।
अगर आप देख पा रहे हो तो ये बहुत ही प्यारी कंफर्टेबल फिट बोहो ड्रेस है। आई जस्ट लव 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 द कलर, इट्स अ रस्ट कलर, ब्यूटिफुल कलर, और मतलब एक कॉटन, सेमी कॉटन कह सकते हो आप इसको, तो काफी ब्रीदेबल मटेरियल है इसका, बाकी उससे ज्यादा ब्रीदेबल मटेरियल है इसका। तो इसका जो है मैंने साइज लिया है M, बट स्टिल थोड़ा सा लूज है ये, मैंने थोड़ा लूज फिट के हिसाब से लिया था। आप चाहो तो आप फिट एक, मतलब अगर एकदम प्रॉपर फिट चाहते हो तो एक साइज छोटा ले सकते हो, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। देखो ना आप कितनी रिलैक्सिंग ड्रेस है, मतलब अगर आप बीच बीच में जाते हो तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, बहुत ही कूल है। लेंथ इज ऑल्सो फाइन एंड प्योर ब्रीदेबल मटेरियल, इट्स टू गुड ड्रेस। अब मैं जिस ड्रेस की बात करने वाली हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड मास्ट एंड हार्बर। This is their beautiful, beautiful color. See, this is proper nude color. बहुत अच्छा color है and it has high slit. Okay, तो मतलब घुटने से थोड़ा ऊपर इसका slit आता है, बहुत सुंदर dress है। देखो सामने से एकदम square neck है, तो आपको square neck की dresses मिलना like it's little bit difficult, क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेक आते हैं, बट स्क्वायर नेक जो होता है ना वो क्या होता है, ब्रॉड शोल्डर वालों पे बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपके ब्रॉड शोल्डर्स हैं तो आप ट्राई करो कि जो वाइड नेक वाले कपड़े होते हैं ना वो पहनो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और इससे क्या होता है ना, अगर हम बहुत क्लोज नेक वाले कपड़े पहनते हैं तो ये हमारा उठा उठा दिखता है, तो वो नहीं दिखेगा अगर आप वाइड नेक पहनोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। इसमें पीछे प्रॉपर स्ट्रेचेबल है, अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा स्ट्रेचेबल है प्रॉपर, तो आराम से फैल जाता है। यहाँ भी स्ट्रेच है, ठीक है, स्लीव्स भी इसके ऐसा टाइप का पैटर्न है कुछ, तो अच्छा है। बट एक चीज का प्रॉब्लम, इसमें साइड में चेन भी है पहली चीज, तो वो भी अच्छा है, फिट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा मुझे जो दिक्कत लगा, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको इसके अंदर थोड़ा इनर या शॉर्ट्स जो आप पहनते हो वो पहनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये थोड़ा सा झलकेगा। ट्राई करो उसके नीचे न्यूड कलर का ब्रा पहनो आप, तो वो बिल्कुल ज्यादा नहीं दिखेगा, बट स्टिल थोड़ा सा, मतलब मेरे को, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं उनको मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर ट्रांसलूसेंट टाइप का ड्रेस है तो, बट मेरे को थोड़ा ज्यादा पड़ता है क्योंकि आई हैव अ हैवी बॉडी, तो इसलिए मैं हल्का सा, अगर आप देख भी पा रहे हो ना तो ये थोड़ा सा, सी आई होप आपको समझ आ पा रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट है, बट ये ड्रेस बहुत सुंदर है सीरियसली। मतलब मैं पर्सनली बताऊं, अगर आप रात में पहनते हो ना इसको तो कुछ झलकेगा भी नहीं। ये प्रॉब्लम थोड़ा दिन का होता है, ठीक है, दिन में क्या होता है कि और ज्यादा सनलाइट पे विजिबल होता है अगर ड्रेस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट हो, रात के हिसाब से तो ये बॉम ड्रेस है सीरियसली। आप इसको किसी भी शूज के साथ पेयर कर सकते हो, इसको हील्स के साथ पेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, इट्स लवली। इसका जो मैंने साइज लिया है वो मैं बता देती हूँ, एक्सेल, और ये मुझे प्रॉपर फिट आया, एक्सेल वॉज परफेक्ट फॉर मी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, इट्स अ लवली ड्रेस। चलो मूव करते हैं अपने इस वीडियो की लास्ट ड्रेस पे। तो अब अगर आप समर में हो और बिल्कुल ही समर वाइब चाहते हो, तो आप सोचोगे ना कि क्या कर सकते हैं वैसे अपने कपड़ों में, तो हम ऐसे कपड़े ले सकते हैं जिसमें फ्लावर्स बने हो, करेक्ट। तो मैंने भी यही सोच के परचेज की है ड्रेस। ये ड्रेस है फ्रॉम द ब्रांड एस प्लस, एंड ये पूरा सनफ्लावर डिजाइन है। ओहो, आई लव दिस ड्रेस सीरियसली, परफेक्ट फिट, ऑल्दो थोड़ा सा फिट इसका जो है वो टाइट है, मतलब एकदम फिटिंग है, तो अगर आप चाहो तो एक साइज ऊपर जा सकते हो, बट इसमें शायद एक्सेल के ऊपर नहीं है, तो मैं पर्सनली बोलूंगी कि अगर आपके मेजरमेंट बिल्कुल मेरे बराबर है तो आप इस ड्रेस को खरीदना, अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा है तो ये ड्रेस आप अनफॉर्चुनेटली नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि ये थोड़ी फिटेड है, मतलब मुझे भी काफी फिट है ये, तो मैं आई एम ट्राइंग टू लूज सम वेट, ठीक है, वो तो मैं ऐसे भी कर रही हूँ, तो जब मैं लूज कर लूंगी तो आई विल यू नो वेरी हैप्पी टू वियर दिस ड्रेस। और कपड़े के हिसाब से बताऊं, बिल्कुल इन्होंने अंदर कपड़े के हिसाब से बताऊं, इन्होंने अंदर प्रॉपर अस्तर दिया हुआ है पूरी ड्रेस में, तो मतलब आप समझ रहे हो जो पुरानी ड्रेस में प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें फुल अस्तर है। इसका नेक डिजाइन इज ब्यूटिफुल, सी एकदम वी नेक है, और सामने इस तरीके का पैटर्न है स्ट्रेचेबल, ओके, तो बहुत सुंदर लगता है, काफी अच्छा शेप देता है सामने। फिर पर्सनली ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है, एंड सी द ब्यूटिफुल वाइब्स ऑफ दिस ड्रेस, प्योर सनफ्लावर्स, इट्स लवली। एंड इसका जो कलर है ना, आपको ये कलर जल्दी मिलेगा नहीं कपड़ों में, इट्स अ यूनिक कलर, इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लू, इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्रीन, इट्स समथिंग बिटवीन बोथ द कलर्स, सो इट्स लवली। सो इन टोटल यहाँ पे मैंने आपको सारी ड्रेसेस अपनी दिखा दी हैं।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे हॉल वीडियो बनाऊं और आप चाहते हो कि मैं कोई और ड्रेस ट्राई करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना यार, मैं डेफिनेटली जाऊंगी उसको ट्राई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इसको प्लीज शेयर करो बहुत सारे दोस्तों के साथ। मैंने जितनी भी ड्रेसेस ट्राई की हैं वो कर्वी गर्ल्स पे बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने बहुत सारी टिप्स भी शेयर करी हैं, इसलिए आपकी जो चबी चबी क्यूटू फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये शेयर कर देना ताकि वो ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद पाए। एंड यस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना, दोबारा बोल रही हूँ। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।